और गैर कानूनी टैक्स रिफंड केस, सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने एफबीआर की कायम मकाम चेयरपर्सन की सरजरिश करते हुए कहा कि बीबी हम यहां कहानियां सुनने नहीं बैठे, अरबों रुपए लुट गए, आपको परवाह नहीं तो ओहदा छोड़ दें, शब्बर जैदी क्यों और कितने बीमार हैं सब मालूम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गैर कानूनी टैक्स रिफंड केस की समाअत में कायम मकाम चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद ने बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस से मंजूरी के बाद इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 माह की अदालती मोहलत में तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं हुई, रकम आपकी जेब से गई होती तो आप 1 मिनट भी ना घर बैठती, कौम के पैसे से किसी को हमदर्दी नहीं है, एफबीआर दिगर कामों में मसरूफ है, अदालती अहकाम पर तवज्जो नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन एफबीआर भी छुट्टी पर चले गए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। कायम मकाम चेयरपर्सन ने बताया कि शबर जैदी बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शबर जैदी क्यों और कितने बीमार हैं सब मालूम है। दूसरी जानब जमानत के एक मुकदमे की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क भर की ट्रायल कोर्ट्स में नैब के मुकदमात पर समाअत ताखीर का शिकार क्यों है, वजूहात पर मबनी रिपोर्ट्स जमा कराई जाए।